हर बार की तरह श्रीलंका को रेस्क्यू करने एक बार फिर से और कोई देश नहीं बल्कि भारत ही सामने आ गया है। और इस बार तो श्रीलंका ने भारतीय सरकार से खास इंडियन एयरफोर्स की मांग कर ली है। श्रीलंका के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं और श्रीलंका किस तरह इंडियन ओशन रीजन में भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहा है, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस वीडियो में डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका अपने फार्मर्स के लिए कुछ महीनों पहले तक चाइना से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स खरीदा करता था। श्रीलंका ने 90,000 टन लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और 3,000 टन पाउडर्ड फॉर्म में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए चाइना के किंदाओ सीविन बायोटेक ग्रुप के साथ $63 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चाइना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आड़ में श्रीलंका को केमिकल से मिक्स हुए फर्टिलाइजर्स बेच रहा था, जिसकी भनक लगने पर श्रीलंकन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के सैंपल को टेस्ट किया। टेस्ट में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाया कि चाइना जो फर्टिलाइजर्स श्रीलंका को बेच रहा था उसमें वाकई में हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो फसल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उसके बाद चाइनीज कंपनी ने कहा कि वो श्रीलंका को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दोबारा से फ्रेश असाइनमेंट भेजेंगे, जिससे पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट ने दोबारा से एक सैंपल की मांग की। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का दूसरा सैंपल चाइना से आया था वो भी टेस्ट करने पर दोबारा से कंटामिनेटेड पाया गया, जिसके बाद श्रीलंका की राजपक्सा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का चाइना के साथ $63 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया। चाइना इससे काफी नाराज भी हुआ और चाइना की जो श्रीलंका में एम्बेसी है उसने भी श्रीलंका गवर्नमेंट के इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले कदम पर काफी आपत्ति जताई। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स के डिले के कारण पूरे श्रीलंका के फार्मर्स सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिवाइव नहीं किया और मदद मांग ली चाइना के सबसे बड़े राइवल भारत से, जिसके बाद चीजें भारत, चाइना और श्रीलंका के बीच और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स की डिलीवरी काफी महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पूरे विवाद में श्रीलंका के किसान काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में वो देश जहां पर हाल ही में फूड इमरजेंसी जैसी सिचुएशन खड़ी हुई थी, उसके किसानों का प्रभावित होना तो चिंता का विषय है। इसीलिए श्रीलंका के मदद मांगने पर भारत सामने आया। श्रीलंका ने चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद भारत के साथ 31 लाख लीटर के नैनो फर्टिलाइजर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट रातों रात साइन कर लिया। भारतीय फर्टिलाइजर्स को श्रीलंका इंपोर्ट करता उससे पहले श्रीलंका ने चाइना की तरह भारत से भी सैंपल्स मंगवाए और अपनी लैब में उसको टेस्ट किया, जिसमें वो एकदम कंटेमिनेशन फ्री निकले और श्रीलंका ने इंडियन फर्टिलाइजर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन दिक्कत यह आ रही थी कि श्रीलंका ने अचानक से भारत के सामने डिमांड रख ली थी। भारतीय सरकार ये नैनो फर्टिलाइजर्स चाइना को देने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन दिक्कत यह आ रही थी कि सी रूट से शिपिंग करने पर इनके डिलीवरी में काफी ज्यादा समय लगने वाला था, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में सीजन खत्म होने की कगार पर था, जिसके चलते श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारतीय सरकार से मांग की कि जो ये नैनो फर्टिलाइजर्स भारत श्रीलंका को भेजने वाला है ये इमरजेंसी बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स की मदद से भेजे जाएं। भारतीय मीडिया में तो खैर इस बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं छपी, लेकिन ये जानकारी श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से पता चली है, यानी श्रीलंकन मीडिया से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स श्रीलंका को ये नैनो फर्टिलाइजर्स मंडे नाइट यानी पिछली रात को डिलीवर करने वाली थी, जिसका मतलब है कि श्रीलंका में ये नैनो फर्टिलाइजर्स अभी तक पहुंच भी गए होंगे। वैसे मेनस्ट्रीम मीडिया इस तरह के टॉपिक्स कवर करे या न करे, हम इस तरह के डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के ऊपर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि जो भारतीय सरकार ने श्रीलंका को नैनो फर्टिलाइजर्स भेजने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स का इस्तेमाल किया, क्या वो करना बिल्कुल सही था, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।